बागेश्वर के मांझिया खेत ज्वाला देवी वार्ड स्थित एक रास्ते में निर्माण के दौरान रास्ते पर बने दीवार की गुणवत्ता पर सवाल करने पर विवाद शुरू हो गया और कथित ठेकेदार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार गोविंद मेहता पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पत्रकार गोविंद सिंह मेहता के द्वारा रास्ते का निर्माण कार्य और दीवार की गुणवत्ता पर रास्ते का निर्माण कर रहे कथित ठेकेदार से कर रही हैं। तभी ठेकेदार गुस्से में आकर पत्रकार गोविंद मेहता पर पत्थर और लकड़ी से जानलेवा हमला करने लग गया और गाली गलौज करने लगा। किसी तरह पत्रकार के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा ठेकेदार को शांत किया गया। पत्रकार गोविंद सिंह मेहता के द्वारा बताया गया कि उस पर ठेकेदार द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, साथ ही उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने इसकी तहरीर कोतवाली बागेश्वर में दी है। गोविंद सिंह मेहता द्वारा उक्त व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना सोमवार को भी जारी रहा। आंदोलित कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर नुमाइश खेत में बैठक की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इनके आंदोलन पर जाने से गर्भवती महिलाओं और नवजातों को पुष्टाहार भी नहीं मिल पा रहा। इतने दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार पर जाने से अभी तक उनकी मांग नहीं माने जाने पर अब कार्यकर्ताओं ने थक हार कर आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। हमारी मांग है कि हमारी न्यूनतम मजदूर के बराबर हमारा मानदेय कर दिया जाए और आज अगर कई बैठक में हमारे लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो हम यहाँ आगामी जो चुनाव लोकसभा चुनाव होना ले इसका बहिष्कार करेंगे और हम सभी प्रदेशवासी इसका बहिष्कार करेंगे। और आज हमारी मानदेय अगर हो जाती है हमारी ये मांग पूरी तो हम स्वतः अपने कार्यों में पुनः चला जाएंगे। बागेश्वर में दुर्गा पूजा कार्यालय में बैठकी होली गायन का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से दुर्गा पूजा कार्यालय में बैठकी होली का आयोजन किया जाता है। साथ ही दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आगामी 19 मार्च से होने वाली बैठकी होली पर भी चर्चा की गई। समिति द्वारा बताया गया कि विगत कई सालों से हर वर्ष उनके द्वारा होली धूमधाम से मनाई जाती है। उन्होंने इस वर्ष भी पिछले वर्षों की भांति होली को धूमधाम से मनाने पर चर्चा की और उनके द्वारा होली का गायन भी किया गया। उन्होंने कहा कि होली भाईचारे और सौहार्द का त्योहार है। उन्होंने सभी से 19 मार्च से होने वाली होली में पहुंचने की अपील की है। कपकोट के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने के बयान पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं विरोध जताते हुए सांसद अनंत कुमार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद अनंत कुमार ने जो बयान दिया था कि भाजपा की आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीट आती है तो भारत का संविधान बदल देंगे, उनके इसी बयान पर एनएसयूआई ने विरोध जताते हुए उनका पुतला दहन किया है। और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया क्योंकि देखिए अनंत कुमार हेगड़े द्वारा जो बयानबाजी की गई कि अगर इस बार भाजपा सरकार की लोकसभा में 400 सीट आती है तो हम संविधान को बदल देंगे, कहीं ना कहीं देखिए यह खुली चुनौती बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को दे दी है उन्होंने। देखिए लोकतंत्र हमारा खतरे में आ गया है, भाजपा सरकार तो आज देश बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है और लोकतंत्र भी हमारा एक खतरे में है। अनंत कुमार हेगड़े जो भाजपा के सांसद हैं उनके द्वारा बयान दिया गया अगर इस बार लोकतंत्र मुक्ति सीट भाजपा की अगर 400 सीट आ गई तो भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 400 सीटें आप आते हो तो कौन सा ऐसा लोकतंत्र कि आप सीटें बदल सकते हैं। देखिए उसके बारे में वो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खुली चुनौती देने का कार्य करते कि अगर सब भारत 400 सीटें आते भारत का जो लोकतंत्र है उसका बदलने की बात करते हैं। इस जो हमारा कार्यक्रम था इसी का कारण था।